अजय देवगन ने तानाजी बनकर पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफएसटार न्यूज। अजय देवगन की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर रिलीज हो चुकी है। बता दूं कि ये फिल्म हिंदी और मराठी दो लैंग्वेज में रिलीज की गई है और फिल्म को लेकर क्रिटिक्स और दर्शक के द्वारा पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं और दर्शक ने तो ये फिल्म को बहुत ही ज्यादा पसंद किया है और इसके चलते ये फिल्म सिनेमा घरों में तबाही मचा रही है। ये फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सामने आ चुका है। ट्रेड एक्सपर्ट के अनुसार ये फिल्म पहले दिन 16 से 18 करोड़ जितना कलेक्शन करेगी, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि तानाजी दो फिल्म से क्लैश हुई है, दरबार और छपाक। दरबार फिल्म है रजनीकांत की और छपाक फिल्म है दीपिका पादुकोण की। छपाक फिल्म की स्टोरी भी काफी अच्छी है और छपाक फिल्म की स्टोरी लक्ष्मी अग्रवाल की एसिड घटना पर बनाई गई है और इसके कारण ये फिल्म को भी मल्टीप्लेक्स में काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन तानाजी के कंपेयर में ये फिल्म पिछड़ गई है क्योंकि तानाजी इस रेस में आगे है। अजय देवगन की तानाजी फिल्म मास और क्लास दोनों ऑडियंस को काफी पसंद आ रही है और यही ये फिल्म के लिए प्लस पॉइंट है। और दूसरी खास चीज, ये फिल्मों को लेकर वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही अच्छा मिल रहा है और इसके कारण ये फिल्म सैटरडे और संडे को एक बड़ी उछाल लेने वाली है। हालांकि ये फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि फिल्म की स्टोरी ही इतनी बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, आपने ये फिल्म देखी, आपको कैसी लगी वह हमें कमेंट करें। ये न्यूज़ पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए एफएसटार न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें।